नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में इस वक्त बड़ा सियासी खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक ओर बीजेपी से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक मजबूत सरकार का आह्वान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नाराज विधायकों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने जब ये बयान दिया कि वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई। आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे ने दरअसल ये बयान इसलिए दिया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों की तरफ से लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे थे जिसकी वजह से यह दावा किया जा रहा था महाराष्ट्र की सियासत में कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच फूट पड़ गई है। और ऐसे में श्रीकांत शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि अगर ये सच होगा तो वो अपने पद से खुशी खुशी इस्तीफा दे देंगे। और अब श्रीकांत शिंदे के इसी बयान पर बीजेपी विधायक संजय केलकर ने श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधते हुए संजय केलकर ने सीधे सीधे उन पर हमला बोला और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से लगातार एकनाथ शिंदे की शिवसेना मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे में श्रीकांत शिंदे का ये बयान काफी ज्यादा निंदनीय है। इसके साथ आपको बता दें कि संजय केलकर ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि ठाणे सीट पर इस दावे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। बीजेपी विधायक ने शिवसेना पर हमला बोला, साथ ही कहा बीजेपी की मदद के बिना ठाणे जिले में कोई जीत नहीं सकता। बीजेपी नेता संजय केलकर ने यह टिप्पणी शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने स्थानीय भाजपा इकाई को निशाना बताते हुए शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कमजोर कर स्वार्थी राजनीति करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद संजय केलकर ने सीधे सीधे श्रीकांत शिंदे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद लगातार अब ये दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में जिस तरीके से फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है और अब इससे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मिलकर समझा नहीं पा रहे, इसे कहीं ना कहीं ठीक नहीं कर पा रहे। और इसी को लेकर आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसे छोटा रखा जाएगा। और दावा ये भी किया जा रहा है कि 5 ऐसे मंत्रियों के नाम सामने आए हैं जिन्हें अब मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये वो 5 मंत्री हैं जो शिंदे गुट के हैं, जिन्होंने पिछले साल उद्धव ठाकरे को झटका देते हुए शिंदे का साथ निभाया और कहीं ना कहीं सत्ता की लालच में, मंत्रिमंडल की लालच में ये बीजेपी के साथ आ मिल गए। ऐसे में अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर वाकई में श्रीकांत शिंदे जिस तरीके से इस्तीफे की बात कर रहे हैं और इन 5 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने की बात की जा रही है, क्या आने वाले समय में शिंदे की सरकार पर अब खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है? और ऐसे में अगर वाकई ये नाराज विधायक मातोश्री की तरफ रुख करते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर से इस सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई देंगे? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एक्स्ट्रा 9 न्यूज़। नमस्कार।